Hello friends, I welcome you all to the Renaissance Academy of Geosciences, Nagpur, and welcome to the free Bahubali lecture series. So today, I am going to discuss one of the most important topic from sedimentology, behavior of fluids. And many times you will see the question in various kind of geology examination from this topic. So what is behavior of fluid? Now in sedimentology, when we deal with any fluid, means that is mostly water. और वाटर में जब हम सेडिमेंट्स की सेटलिंग वेलोसिटी को डिफाइन करते हैं तो वो हमें आपके कुछ फॉर्मूले दिखा के रहेगा. फॉर एग्जाम्पल तो हमें वी हैव टू टाइप्स ऑफ फ्लो, वन इज लैमिनार एंड टर्बुलेंट फ्लो. लैमिनार मतलब क्या हो गया, शांति है ना, हम उसे नोबल पीस प्राइज दे देते हैं, चलो तो काम वाटर बेसिकली. एंड टर्बुलेंट मतलब वी कैन से वाटर में बहुत ज़्यादा साउंड है, टर्बुलेंट है ना, खड़खड़ का पानी. ये हो गया आपका लैमिनार फ्लो, फॉर द डेफिनेशन ऑफ लैमिनार फ्लो. तो जब पैरेलली इफ दे आर मूविंग, इसका मतलब क्या होगा कि पार्टिकल का मिक्सिंग हमें नहीं मिलेगा. ओके, इसका ही उल्टा अगर हम टर्बुलेंट फ्लो में देखते हैं तो यू विल सी पार्टिकल्स आर मूविंग इन ऑल डायरेक्शन. ओके, पार्टिकल या मॉलिक्यूल्स बोल दो, पार्टिकल्स आर मूविंग इन All directions. All directions. Okay. So, जब all directions में move करेंगे, तो इसमें the mixing of particle or mixing of sediment due to turbulent flow. Okay. Now, to classify between laminar flow and turbulent flow, we have one important parameter that is Reynolds number, denoted by R. That Reynolds number is, if the value of Reynolds number is less than 500, you can say that the flow is laminar. And if the value of Reynolds number is more than 2000, you can say the flow is turbulent. Okay. So we have a formula of Reynolds number, that is VL by mu. V is your velocity, or you can say flow velocity. Then mu is your viscosity. What is viscosity? Viscosity is resistance to flow. Then L is your diameter of the pipe or the depth of the flow, or you can say the length. We have one more formula of Reynolds number in which velocity of the flow V, density of the grain, that is rho, D is the diameter of the grain, and eta is your viscosity. In some books you will find viscosity is denoted by mu, in some books you will find viscosity is denoted by eta, so don't be confused with it. Always remember कि आपको विस्कोसिटी से डिवाइड करना. सो एक क्वेश्चन आया था, इससे हम इसको एप्लीकेबिलिटी हम यूज अंडरस्टैंड बेटर. द रेनॉल्ड नंबर ऑफ फ्लूइड इन अ कॉन्ड्यूट इज 12. रेनॉल्ड नंबर आपको ऑलरेडी देख के रखा है. इफ द वेलोसिटी ऑफ द फ्लो इज इंक्रीज ट्वाइस एंड द डायमीटर ऑफ द कॉन्ड्यूट इज रिड्यूस टू 130, ये ट्वाइस किया और ये 130 किया, तो सी योर न्यू रेनॉल्ड नंबर एंड डेनोटिंग विद एन. अब आपको क्या बोला है कि वेलोसिटी ऑफ फ्लो इज इंक्रीज, तो वेलोसिटी कहाँ पे, यहाँ पे, तो मैं वी को डबल कर रहा हूँ, ट्वाइस कर दिया, तो रो डायमीटर ऑफ कंड्यूट को 1/3 कर दिया, तो मैंने लिख दिया ई बाय थ्री डिवाइडेड बाय ईटा. नाउ इसको सिंप्लीफाई कर लो तो क्या हो जाएगा, 2/3 आगे ले लो, देन वी रो डी बाय ईटा, ऐसा आ जाएगा. नाउ सी द फार्मूला, कंपेयर करो, ये तो रेनॉल्ड्स नंबर का फार्मूला हो गया है ना, तो ये तो ओल्ड रेनॉल्ड नंबर हो गया, तो ये आपका न्यू रेनॉल्ड नंबर 2/3, इसको मैं रेनॉल्ड्स नंबर ओल्ड लिख देता हूँ. एंड ओल्ड रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू आपको दे के रखी है 12, सो यू कैन इजीली कैलकुलेट न्यू रेनॉल्ड्स नंबर फ्रॉम दिस. 2/3 इज 12, 3 4 12, 4 2 2 4, एंड यू विल गेट न्यू रेनॉल्ड्स नंबर 8. सो लाइक दैट यू कैन यूज दिस फॉर्मूला. ठीक है, तो आपको इसमें यही टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं कि डबल किया तो क्या हो जाएगा, है ना. यू कैन से दैट रेनॉल्ड्स नंबर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू विस्कोसिटी,
विस्कोसिटी बढ़ेगी तो रेनॉल्ड्स नंबर बढ़ेगा, विस्कोसिटी कम रहेगी तो रेनॉल्ड्स नंबर बढ़ेगा। अगर वेलोसिटी से जोड़ देते हैं तो रेनॉल्ड्स नंबर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, ये डबल तो ये डबल, ये फोर टाइम्स तो ये फोर टाइम्स, ये हाफ तो ये भी हाफ, लाइक दैट। ठीक है, तो सम टाइप ऑफ क्वेश्चन यू माइट एक्सपेक्ट इन योर एग्जाम। थैंक यू।